Welcome back to your channel Manager on Business. Today I will explain you the distinguish between the microeconomics and macroeconomics, positive economics and normative economics. देखिए microeconomics और macroeconomics में distinguish करने से पहले आपको exact meaning पता होना चाहिए कि microeconomics का meaning क्या है और macroeconomics का exact meaning क्या है. Micro means small, whereas macro means big or large. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे दैट मींस हम जो स्मॉल इश्यूज हैं सिर्फ उन्हीं को डील करेंगे और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे दैट मींस पूरी इकोनॉमी के जो होल इकोनॉमी के इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. हियर आई इंडिकेट सम बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ विच वी मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक इश्यूज. इकोनॉमिक इश्यूज मींस जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उनके बीच में एक डिफरेंस ला रहे हैं तो इकोनॉमिक इश्यूज उसका बेस बना. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो स्मॉल होते. स्मॉल मींस एन इंडिविजुअल फर्म और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. ऑन अदर हैंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. द सेकेंड इज डिटर्मिनेशन. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो नॉर्मली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन अ मार्केट. वेयर एज ऑन अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है दैट इज द जनरल प्राइस लेवल एग्रीगेट आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट. देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बात होती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट मींस उसने एक कमोडिटी के प्राइस की बात करता है. जैसे अगर मैं कहता हूं प्राइस ऑफ अ मार्कर दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर सभी चीजें महंगी हो जाए बुक्स भी महंगी हो रही है आपका मोबाइल जो है वो भी महंगा हो रहा है आपका जो पेन है वो भी महंगा यानी कि हर चीज महंगी हो रही है दैट इज कॉल्ड द प्राइस लेवल. दैट मींस जब हम इंडिविजुअल कॉमोडिटी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं इट इंक्लूड्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब हम सभी कॉमोडिटीज सभी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं दैट इंक्लूड्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जनरल प्राइस लेवल और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. तो आप कंफ्यूज मत होना. अगर वो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी बोल रहा है दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटीज इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल दैट इंक्लूड्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. द थर्ड वन इज assumptions. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो वी आर एज्यूम दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स बीइंग कांस्टेंट. ऑन अदर हैंड व्हेन वी स्टडीड अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स बीइंग कांस्टेंट. तो देयर आर थ्री बेसिक्स ऑन व्हिच वी कैन मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट्स की बात आती है. कॉम्पोनेंट्स मीन्स हम उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे. ऑल दीज आर द चैप्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दीज आर द चैप्टर्स और कंटेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर के बिहेवियर की थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. प्रोड्यूसर के बिहेवियर की थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. थ्योरी ऑफ प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है तेजी और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी. आप अपना खुद माइंड लगाइए कि तेजी और मंदी किसी एक जगह आती है या पूरी इकोनॉमी में आती है. जब भी हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वहां उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है तो इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है ना कि एक पर्टिकुलर घर के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही पूरी इकोनॉमी को शो करते हैं. दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. देखिए जब भी कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है तो ऐसे में उसको करेक्ट करने के लिए आरबीआई भी कुछ पॉलिसीज बनाती है और गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाती है. जो पॉलिसीज आरबीआई बना रही है दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसीज और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है दैट इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसीज. ये टॉपिक्स आपके आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हम लेक्चर्स बनाएंगे उसमें डिस्कस और डीपली करेंगे. फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी. फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट.
and BOP is the balance of payment. That means net amount have to be received or payable to the other countries in terms of exports or imports. जब ये हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पर कैपिटा इनकम इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड, बिकॉज पर कैपिटा मींस एक पर्सन का. अब एक पर्सन का तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर देते हैं. नो, आप ये देखिए, जब आपने पर कैपिटा इनकम निकाला है तो फॉर्मूला क्या लगा है? फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपने पूरी इकोनॉमी की स्टडी करी है या पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करी है? आपने पूरी इकोनॉमी की स्टडी करी है, जबी तो आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करा होगा. तो याद रखिए, पर कैपिटा इनकम इज मैक्रो कॉन्सेप्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिस्टिंग्विश है. देखिए, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली डिस्टिंग्विश नहीं पूछेगा. वो आपको कोई कॉन्सेप्ट दे देगा और पूछेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है या ये कॉम्पोनेंट जो है किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का. जैसे कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, वो आपसे पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आप सिंपली वहां पर ऑप्शंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगा देना. अगर वो वन मार्क वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं दिए, तो आप आंसर लिख देना मैक्रो इकोनॉमिक्स. द सेकेंड टॉपिक इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. वही बात, पहले डिफरेंस करने से पहले हम इसमें इसका मीनिंग समझ लेते हैं. देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या है, क्या था और क्या होगा. लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, हमारे ओपिनियन आते हैं, दैट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैं आपसे कहता हूं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, कोई और टीचर या कोई और आपके पेरेंट आपसे कहते हैं कि आप रात को देर तक पढ़िए. सबके अपने अपने ओपिनियंस है. मेरा ओपिनियंस एक्चुअली यही है कि रात को देर तक पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता. तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं. तो जब भी आप सजेशंस दे रहे हैं और ओपिनियंस दे रहे हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. और जब आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, स्टेटमेंट दैट रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दैट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक इश्यूज. अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं? दैट रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ऑन अदर हैंड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, वो होते हैं एक तरीके से ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स भी कौन सी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. यानी कि एक अर्थव्यवस्था में या फिर एक इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इकोनॉमिक्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं. और जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ओपिनियंस. सेकेंड इज स्टेटमेंट्स. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं? व्हाट वॉज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट विल बी, क्या होगा. कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या होगा सर ओपिनियन है. नो, क्या होगा ये ओपिनियन नहीं है, आपने एस्टिमेशन लगाया, फोरकास्टिंग है. नॉर्मेटिव में बनता है व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए. जब हम क्या होना चाहिए बोलते हैं, दैट आर द ओपिनियन. नेक्स्ट इज वेरीफेबल. वेरीफेबल मतलब आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देखिए, जो भी चीज हुई है या जो है या जो होगी, उसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है. और जब आप वेरीफाई करोगे, तो इट मे बी अ ट्रू और इट मे बी फॉल्स. बट अगर ओपिनियन की हम बात करते हैं, ऑन अदर हैंड, ओपिनियन नेवर बी वेरीफेबल. ओपिनियंस को कभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ. नहीं, वो उसका ओपिनियन था. ओपिनियन कभी भी वेरीफाई
नहीं होता। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आपको बताना है इसमें से ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, बोथ है या नन ऑफ है। पढ़ते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये मैंने देखा था कहीं रिसोर्स है से पता चला था, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना। जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, कई बच्चे कहते हैं सर चाइना की पॉपुलेशन जो है इंडिया से ज्यादा है, आई एम एग्रीड, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, बट इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का चाइना से ज्यादा है। यहां पर ये स्टेटमेंट लिखी है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, यानी कि इंडिया का रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा है चाइना से। माइंड में स्ट्राइक करा होगा सर इज लिख दिया, इज अ पार्ट ऑफ बट इज क्या है, बट इज से आपने इसको क्या कहा, दैट इज पॉजिटिव। आगे से कंटिन्यू करते हैं, देयरफॉर इंडिया हैव टू अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी, इसलिए इंडिया को वन चाइल्ड पॉलिसी अपना लेनी चाहिए। यहां पर चाहिए आगे, क्या ये ओपिनियन है? यस दिस इज द ओपिनियन, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट और दिस इज द ओपिनियन। और जब हम ओपिनियन की बात करते हैं, ओपिनियंस आर इंक्लूडेड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, हैव टू दैट इंक्लूड्स इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ बीइंग कंफ्यूज्ड, इट इज दिस स्टेटमेंट लीड्स टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यस एक एमसीक्यू में आपको एक ऑप्शन और था बोथ, दिस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और मैं वादा करता हूं आपसे इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इजिली मिल जाए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में नीचे प्लीज जरूर लिखिएगा, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।